अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़रीन होम कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 8 से लेके 18 महीने के बच्चे के लिए मील रेसिपी। ये रेसिपी मैंने खुद ने अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस की है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने 1 कप चावल लिया है और 1/3 कप मैं यहाँ पर ले लूँगी मूँग दाल। आप अपने बच्चे के हिसाब से क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 15 से 18 महीने के बच्चे के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ तो इन चीज़ों का इतना इस्तेमाल करूँगी। मैंने इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं इसे सोक करने के लिए 15 मिनट छोड़ दूँगी। एक कुकर लीजिए और 1/2 टीस्पून यहाँ हम घी ऐड कर लेंगे। अगर आपका बच्चा 1 साल की उम्र से कम है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी कम कर सकते हैं घी की, जो भी हम इस्तेमाल करेंगे इन्ग्रीडियंट उन सब की। एक आलू को मैंने अच्छे से छील कर इस तरह से मैंने चॉप करके लिया है। बीन्स लिया है और हम कैरेट ले लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे हरा मटर। आप जब भी बच्चे के लिए मील बनाएं, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप फ्रेश वेजिटेबल ही यहाँ पे यूज़ करें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो इसे भी ज़्यादा चॉप करके आप वेजिटेबल्स लीजिए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चावल और मूँग की दाल। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बच्चों को इजी डाइजेस्ट भी हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, एकदम कलरफुल भी है, बच्चों को अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे 1 से 2 पिंच, मतलब ये 2 पिंच जितना मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 पिंच जितना हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो आप नमक और हल्दी को स्किप कर सकते हैं। और इसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी, चावल की क्वांटिटी आप इसे कम लीजिए अगर आपका बच्चा 1 साल के अंदर रहे तो। इस तरह मिक्स कर लेंगे हम। इसमें चावल से 2 गुना हम पानी ऐड कर लेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने बड़े कप से 2 कप पानी ऐड किया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी इजी डाइजेस्ट भी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आप अपने बच्चे के मील में ये ज़रूर ऐड करें। एक बार आप इसे ट्राई करिए, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 सीटी के लिए छोड़ देंगे। इसे मैंने तकरीबन 15 मिनट तक पकाया है। ये 3 सीटी हो गई है इसकी। देखिए इसको कितना अच्छा सा ये पूरी पक गई है। अगर आपका बच्चा 1 साल से ज़्यादा है, मतलब 15 महीने से ज़्यादा है, तो आप इसी तरह से उसको दीजिए। यहाँ आप मैश करे बिना आप उसे दे सकते हैं। उसे बच्चे की चबाने की हैबिट होगी, चबाने को उसे ये आसान रहेगा, एकदम ये सॉफ्ट है, उसे चबाने की भी हैबिट हो जाएगी। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम है तो आप इस तरह से विस्क या आप मैशर से इसे मैश कर लीजिए। ये बच्चों के हाजमे के लिए भी इजी डाइजेशन है, ये इजी डाइजेस्ट हो जाता है। ये इस तरह देखिए, ये फाइनली आप इस तरह इसका बनाकर ले सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी, या इसे आप थोड़ा और पतली भी कर सकते हैं, तो ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर के बच्चे के लिए। देखिए कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।